नमस्कार, मैं डॉक्टर बी आर बगड़िया, सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं आपको सर्दियों में जॉइंट्स की जो तकलीफ है वो क्यों बढ़ जाती है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे रोका जा सकता है। स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अस्थमा है, जैसे स्ट्रोक है, जैसे कार्डिक प्रॉब्लम है, वैसे भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी सर्दियों में बढ़ जाती है। ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ जाती है, इसके मुख्य कारण ये है कि जैसे ही एनवायरमेंटल प्रेशर डाउन आता है तो जॉइंट्स का प्रेशर बढ़ जाता है, तो एक तरह का खिंचाव फील होता है। दूसरा, जो जॉइंट्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स है जैसे लिगामेंट और मसल्स है वो स्टिफ हो जाती है। तीसरा, जॉइंट में जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। चौथा, जॉइंट्स की यानी जो लिम्स का सर्कुलेशन होता है वो सर्दियों में थोड़ा सा कम हो जाता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ना, इसलिए कारण से वो कम हो जाता है। और पांचवा, कि विटामिन डी जो है सर्दियों में थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि धूप कम होता है। ये इसके मुख्य कारण है जिसके कारण से लोगों को सर्दियों में जॉइंट्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब सबसे मेन चीज क्या है कि पेशेंट क्या प्रॉब्लम लेकर के आपके पास आएगा। ज़्यादातर पेशेंट्स जो जिनकी पुरानी प्रॉब्लम घुटनों की चली आ रही है वो घुटनों की तकलीफ को हमेशा ज़्यादा फील करता है सर्दियों में, और वो क्या बताता है कि मेरे को घुटनों में दर्द बढ़ गया है या मेरी जकड़न बढ़ जाती है, ऐसा फील होता है कि मेरा पैर है वो बहुत ही टाइट हो गया है या किसी चीज़ से बंधा हुआ फील होता है या उसकी मोबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसके कारण से ये वो इसको अपने आप को एक घर के अंदर ही या एक एरिया में रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है। इन सभी प्रॉब्लम को कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए हम कुछ प्रिवेंटिव पार्ट आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको सर्दी से बचना है। अब सर्दी से कैसे बचें, जब भी आप बाहर जाते हैं तो शरीर को पूर्णतया कपड़ों से कवर करके जाने चाहिए, गर्म कपड़े यूज़ करने चाहिए, गर्म पानी यूज़ करना चाहिए, जहाँ ठंडा पानी वगैरह अपन यूज़ करते हैं वह गर्म पानी यूज़ करना चाहिए, पीने के आइटम भी आपके गर्म होने चाहिए। दूसरा, जो एक्सरसाइज आप आउटडोर में करने जाते हैं वो इंडोर में बढ़ानी चाहिए, साइकिलिंग हो गया है, इंडोर बहुत सारी एक्सरसाइज है, योगा है, वो आप कर सकते हैं जिसके कारण से आपको सर्दी से बचाव हो सकता है। इसके अलावा आपको विटामिन डी की यूजुअली ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप डेली कम से कम एक घंटे तक धूप में डेली बैठना चाहिए ताकि आपको विटामिन डी का डायरेक्ट सोर्स अवेलेबल हो जाए। तीसरी इम्पोर्टेंट, यदि खान पीन में यदि देखी जाए तो हमेशा गर्म चीज़ों का ही यूज़ करना चाहिए, फ्रिज के आइटम या ठंडे आइटम है उनसे हमेशा बचने चाहिए। इसके अलावा आपको जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो यूज़ करने चाहिए, और मतलब ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इवन मूंगफली और ये सब भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी बाहर जाएं तो उस समय को चूज करें जिस टाइम धूप बाहर निकली हुई होती है, ठंडी हवा या उसे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। मैंने ये देखा है कि रूटीन जो पेशेंट्स हैं उनके अलावा जो जॉइंट रिप्लेसमेंट कराए हुए जो पेशेंट्स हैं वो भी ये हमेशा एक प्रॉब्लम लेके आते हैं, स्पेशली जो सर्दियों के पास में जिनका नी रिप्लेसमेंट होता है या 2-3 महीने पहले ही जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, वो सर्दियों में आकर के कहते हैं कि साहब हमारे पैरों में बहुत सारी स्टिफनेस है, बहुत जकड़न है, ऐसा लगता है कि मेरा जॉइंट किसी चीज़ से बंध गया है। इसका मतलब ये है स्टिफनेस है, और वो स्टिफनेस क्यों होती है, क्योंकि जब जॉइंट की स्ट्रक्चर्स हील होती है तो वहाँ फाइब्रोसिस बनता है और वो सर्दियों के कारण से कॉन्ट्रैक्ट करता है या जो लिगामेंट्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको स्टिफनेस फील होती है। लेकिन उसको यदि एक्सरसाइज करेगा वो और रेगुलर फिजियोथेरेपी करेगा तो वो सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली ख़त्म हो जाएगी। सर्दियों को हेल्दी सीजन माना जाता है, बाकी यदि बीमारियों में देखी जाए तो बहुत कम होती हैं सर्दियों में, और सर्दियों में हीलिंग पावर बहुत अच्छा हो जाता है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है और पेशेंट का जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाता है, इसलिए जॉइंट रिप्लेसमेंट भी सर्दियों में एक बेस्ट ऑप्शन है। कई लोग इंडिया में स्पेशली जैसे नॉर्थ इंडिया में लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्दियों में अवॉइड करते हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि सर्दियों में भी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवानी चाहिए ताकि आपकी रिकवरी फास्ट होए, हेल्दी सीजन का आपको फायदा मिले। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जॉइंट्स को सर्दियों में एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, अतः आप गर्म खाएँ, गर्म पिएँ, सर्दियों से बचें, और यदि किसी तरह के भी लक्षण आपको दिखते हैं तो नियर बाई डॉक्टर को दिखाएँ, परामर्श लें। धन्यवाद।